हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम हेलो सर, सर, यू ऑल इन मैथ सेक्शन। टुडे विल बी डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, इट्स सो ऑन। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, मेक अ प्लेस वैल्यू चार्ट फॉर द फॉलोइंग। क्या मेक अ प्लेस वैल्यू चार्ट फॉर द फॉलोइंग नंबर्स अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। हमें एक प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है इस क्वेश्चन में। क्या फॉर द फॉलोइंग नंबर्स, ये जो नंबर्स दिए गए हैं इसी नंबर्स की सहायता से हमें एक प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। बट वो किसके अनुसार बनाना है? अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली के अनुसार बनाना है, यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ठीक है, तो हमने आपको इससे पहले वाली क्लास में आपको चार्ट बना के दिखाया था कैसे बनता है। ये देखिए, यही है प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक है, ये क्या है? ये प्लेस वैल्यू चार्ट है। यहाँ पे थाउजेंड्स पीरियड, वंस पीरियड। वंस पीरियड हैज थ्री प्लेसेस। वंस पीरियड में कितने प्लेसेस होते हैं? थ्री, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। ठीक है, थाउजेंड्स पीरियड्स में भी थ्री होते हैं, यानी ये वंस, थाउजेंड्स, मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस, इन सभी में थ्री थ्री प्लेसेस होते हैं। ठीक है, अब हमारा ये क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे ये नंबर्स दिए गए हैं। यहाँ पे ये नंबर देखो क्या है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड एंड हंड्रेड थाउजेंड, 567,898 ये वैल्यू दी गई है। हमें एक प्लस वैल्यू चार्ट बनाना है इसमें। इस क्वेश्चन में क्या करना है? एक प्लस वैल्यू चार्ट बनाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, हम एग्जांपल लेकर आपको बताते हैं कैसे प्लस वैल्यू चार्ट बना देंगे। ठीक है, मान लो ये वैल्यू दी गई है। ठीक है, ये वैल्यू दी गई है, इसी का हमें क्या बनाना है? एक प्लस वैल्यू चार्ट बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? फर्स्ट हम राइट कर लेंगे, पहले पीरियड प्लेसेस राइट कर लेंगे। क्या राइट कर लेंगे? प्लेसेस, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स, टेन थाउजेंड एंड हंड्रेड थाउजेंड। ठीक है, ये सभी को दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। ठीक है, ये पीरियड्स हमने राइट कर दिए हैं। ठीक है, पीरियड्स थोड़ा इधर उधर हो गया, फिर से कर दें। यहाँ पे ये वंस है और ये थाउजेंड्स पीरियड है। ठीक है, ये थाउजेंड्स पीरियड है, ये थाउजेंड्स पीरियड है, ये वंस पीरियड है। ठीक है, इसमें वैल्यू देखते हैं, पुट करते हैं इसमें। ये हम यहां पे वैल्यू पुट करेंगे। अब ठीक है, ऐसे ही एक चार्ट बना लेंगे। ये थाउजेंड्स पीरियड है, ये वंस पीरियड में। अब इसमें हमें प्लेसेस ड्रॉ करने हैं। क्या ड्रॉ करने हैं? प्लेसेस ड्रॉ करने हैं। तो पहले प्लेसेस के भी एक बॉक्स बना लेते हैं, प्लेसेस राइट करेंगे इधर। ये वंस प्लेस है, ठीक है, ठीक है, ये टेंस प्लेस है, ये हंड्रेड प्लेस है, ठीक है, ये थाउजेंड प्लेस है, ठीक है, ये टेन थाउजेंड प्लेस है और ये हंड्रेड थाउजेंड प्लेस है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? ये वंस प्लेस है, ये टेंस, ये हंड्रेड थाउजेंड, टेन थाउजेंड एंड हंड्रेड थाउजेंड। वैल्यू क्या है यहाँ पे? वैल्यू है हमारा यहाँ पे वंस पीरियड पे। कौन सी वैल्यू है वंस पीरियड पे? वंस पीरियड में, वंस प्लेस पे, वंस पीरियड, वंस प्लेस पे कौन सी वैल्यू है? टू। कौन सी है?
टू, यस टू क्या टू है, तो हम यहाँ पे टू राइट करेंगे। आफ्टर दैट टेंथ प्लेस पे कौन सी वैल्यू है? थ्री। थ्री टेंथ प्लेस पे कौन सी वैल्यू है? थ्री। थ्री। हंड्रेड प्लेस पे कौन सी वैल्यू है? फोर। फोर। थाउजेंड प्लेस पे कौन सी वैल्यू है? एट। एट। टेन थाउजेंड प्लेस पे कौन सी वैल्यू है? सिक्स। सिक्स। आफ्टर दैट सेवन प्लेस पे कौन सी वैल्यू है? सेवन। तो ये सभी को कर ही लेंगे आप सभी। क्या करना है, ये जो नंबर्स राइट रहेंगे इन नंबर्स को कहाँ प्लेसेस करना है? उन प्लेसेस पे प्लेस करना है जिस प्लेस पे वो है। जैसे टू कहाँ पे था? वंस प्लेस पे था, तो हमने उसे टू वंस प्लेस पे पुट किया। ठीक है, यहाँ सेवन हंड्रेड थाउजेंड प्लेस पे है, हमने सेवन को हंड्रेड थाउजेंड प्लेस पे प्लेस किया, पुट किया। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? यस सर। चलिए ये वाला क्वेश्चन आप सभी कर लेंगे ना, क्वेश्चन नंबर फोर। यस सर। क्वेश्चन नंबर फोर कर लेंगे सभी। सर अच्छे से स्क्रीन दिखाई दे रही है। अब दिख रहा है? सर दिखी। यस सर। क्वेश्चन नंबर फोर कर लेंगे सभी। यस सर। चलिए यस सर क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है? राइट ईच ऑफ दीज नंबर्स। राइट ईच ऑफ दीज नंबर्स, ये जो नीचे नंबर्स वर्ड फॉर्म में राइट है, इन नंबर्स को किस में राइट करना है? इन फिगर अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ये जो नीचे नंबर्स राइट हैं वर्ड्स में, ये वर्ड्स में जो नंबर्स राइट हैं, इनको क्या करना है? फिगर में राइट करना है, बट अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। बट किसके अनुसार इसे राइट करना है? किसके अनुसार इस नंबर को राइट करेंगे? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग हम इसे राइट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे राइट करेंगे। मान लो सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। क्या हुआ सर? दिख रहा है सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर, दिखने लगा। मान लो हमारे पास ये नंबर दिया गया है 526,000 26,645, इसे हमें फिगर में राइट करना है। किसमें राइट करना है? किसमें राइट करना है? फिगर में। फिगर में। तो यहाँ पे पहले हम देखते हैं ये कौन 526,000 क्या है? 526,645 ये हो गया फिगर में। समझ में आया सभी को? यस सर। बट इसे किस फॉर्म में राइट करना है? इसे अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में करना है। तो क्या करेंगे हम इसको बताने के लिए? पीरियड्स में राइट कर देंगे इसको। कॉमा प्लेस कर देंगे इधर इसके ऊपर, थ्री डिजिट आफ्टर हम कॉमा प्लेस कर देंगे। ठीक है, समझ में आया सभी को? यस सर। चलिए अब हम जिनसे पूछते हैं वो बताएंगे। ठीक है, अब मैं जिनसे पूछूंगा वो इसका आंसर देंगे।
97,000, ठीक है। टू हंड्रेड फाइव ये वैल्यू दी गई है, ठीक है। ये बताएंगे आदेश, आप बताइए ऐसे बताओ, 972 उसके बाद ऐसे नंबर बताओ। डिजिट में नंबर बोलो, जैसे 90 लिखा है तो क्या लिखेंगे उसे, 90 लिखेंगे या डायरेक्ट 97 लिखेंगे, क्या राइट करेंगे? नाइन, क्या राइट करेंगे? नाइन, नाइन आगे नाइन बोलो, तेजी से बोलो, आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। नाइन आफ्टर डैट क्या राइट करेंगे? नाइन नाइन सेवन आगे टू टू जीरो फाइव टू ओ फाइव जीरो फाइव सर टू जीरो फाइव टू जीरो फाइव यस, क्या राइट करेंगे? 205, ठीक है। ये हो गया हमारा फिगर में, ये वैल्यू किसमें हो गई? फिगर में, ठीक है। क्या करेंगे इन्हें बताने के लिए कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है? सर कॉमा प्लेस करेंगे, डिजिट के बाद कॉमा प्लेस, कॉमा प्लेस कर देंगे, ठीक है। चलिए हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज में ये सारे क्वेश्चंस कर लेंगे सभी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैल्यू 600,001 दिया गया, यहाँ पे वैल्यू क्या दी है? 600,001। इसको कैसे सॉल्व करोगे देखते हैं, कौन बताएगा ये वैल्यू? हम यहाँ पे राइट कर दे रहे हैं 400,000 35, ये वैल्यू हमने राइट की, ठीक है। ये कौन बताएगा? सर फोर किसके यहाँ से आवाज आ रही? खुशी? यस सर। क्या आवाज कर रही हो? चलिए ये बताएंगे सचिन, सचिन सर पहले फोर लिखेंगे। हाँ फोर राइट किया हमने, 400,000 जीरो। क्या राइट करेंगे सर? जीरो। कितने जीरो? वन। वन ठीक है, वन राइट किया हमने, वन जीरो। 35 क्या हुआ सर? 35। अब इसके बाद 35 राइट करेंगे। ये सचिन ने ये वैल्यू ये बताया, ये फिगर में बताया, जरा ये सचिन इसे पढ़ के बताओ ये क्या है। सचिन इसे पढ़ के बताइए ये वैल्यू क्या है, कि कितना तुम लिखवाओ हमसे बताइए। एम एयरटेल
मैंने आप सभी को बताया था ना, अगर आपको ऐसे नहीं डायरेक्ट निकालना आता तो आप क्या करिए, प्लस वैल्यू चार्ट बना लीजिए। हमने बताया था ना, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड एंड हंड्रेड थाउजेंड, ठीक है। अब यह वैल्यू किसमें है, 400,000 में है, ये 100,000 में वैल्यू है। 4 को हमका पुट किया 100 पे, उसके बाद क्या है 35 दिया गया है, उसके बाद क्या कितना दिया गया है 35। चलिए मैंने एक मैंने सॉल्व किया यहाँ पे, ये पुट तो कर दिया, आगे का नंबर्स कौन बताएगा सर? 10,000 पे जीरो रहेगा, ये बताएंगे अभिनय पांडे। अभिनय पांडे अपना अभिनय दिखाओ। यस सर। बताइए कितना राइट करेंगे? 10,000 पे जीरो रहेगा। आगे थाउजेंड पे भी जीरो लेगा। थाउजेंड पे भी जीरो। आगे सर 35। 35 यहाँ 100 पे 35 रहेगा, क्या रहेगा सर? जीरो। जीरो। आगे सर 10 पे 35 रहेगा। 10 पे 35 रहेगा। 10 पे 35 रहेगा या 3 रहेगा, क्या रहेगा सर? 3 रहेगा। 3 रहेगा। क्या रहेगा? 5 रहेगा। वंस पे 5 रहेगा। ये देखिए प्लस वैल्यू चार्ट में आसानी से आपको नंबर्स राइट करना आ जाएगा। अगर कोई वैल्यू नहीं दी गई है वहां पे, ऐसे डायरेक्टली राइट है 400,035 या 400,001 राइट है, तो आप क्या करेंगे, अगर उन बीच में कोई भी थाउजेंड प्लेसेस में भी नहीं है ना, हंड्रेड में प्लेसेस में है, तो वहां पे क्या रहता है, जीरो राइट करते हैं। क्या राइट करते हैं, क्या राइट करते हैं? जीरो। 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 ऐसे ही अगर कोई वैल्यू आ जाती है वर्ड्स में, तो आप उसे अगर उसे फिगर में करना है तो आपको क्या करना है, अगर 400,000 आफ्टर कोई भी वैल्यू या कुछ भी नहीं दिया, तो आप उस जगह पे क्या राइट करते हैं, जीरो राइट करते हैं, ठीक है। चलिए मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, वो सॉल्व करके बताइए। मान लो यहाँ पे है 201,006, ये कौन बताएगा? कौन बताएगा ये? चलिए दिव्यांशी आप ही बताइए। 201,006। हाँ 201,006। 006 राइट आंसर, सही है दिव्यांशी, यहाँ पे कॉमा प्लेस कर देंगे, ठीक है। ये वैल्यू सही बताई है दिव्यांशी ने, ठीक है। ये जो मैंने फिगर में राइट किया है, ये वैल्यू सही है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और राइट करता हूँ, ये बताएंगे सचिन, आप बताएंगे। आप इसके पहले वाला रॉन्ग बताते, इस बार आप गलत बताएंगे तो क्लास से बाहर कर देंगे आपको।
क्लास से बाहर कहाँ पाएगी वो भाई घूमते फाइव हंड्रेड जीरो लगा देंगे फाइव जीरो बाकी और कुछ लिखेंगे पहले जीरो मत लगा नहीं तुम गलत मत करवा फाइव पहले जीरो लगाना मुझे पता नहीं था तो उसके क्लास से बाहर जा रहा है चिट है तुम्हारा नहीं गया जीरो नहीं है सात में जीरो है अच्छा हाँ पहले हम बोलेंगे कि भाई बोलेंगे फिर नहीं कहना पहले जीरो लगा देते अभी सचिन और शिवा जो बातें कर रहे हो अभी बताते हैं तुम्हें चलिए आंसर दीजिए सर फाइव हाँ जीरो हाँ फाइव जीरो आगे जीरो 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 आगे फाइव जीरो वन सचिन आपके घर से पीछे से आवाज आ रही है सचिन चलिए जल्दी से जवाब दीजिए चलिए सिवा आप बताइए सचिन नहीं बता पा रहे हैं सर फाइव सर डबल जीरो आगे सर वन हाँ सर डबल जीरो यस राइट आंसर क्या है फाइव डबल जीरो वन डबल जीरो सचिन अपने आप को म्यूट कर लो तुम्हारे घर से आवाज ज्यादा आ रही है ठीक है ये सही आंसर है शिवा ने इसका जवाब सही दिया है ठीक है इसका मतलब आप सभी कर लेंगे आगे का वैल्यू ठीक है ये जो आगे के क्वेश्चंस हैं ये आप खुद से करिएगा ठीक है चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है आइडेंटिफाई द सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन फॉर ईच नंबर क्या करना है आइडेंटिफाई हमें पहचान करनी है द सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन मतलब गणना प्रणाली की हमें पहचान करनी है ये कौन सा गणना प्रणाली है इंडियन है इंटरनेशनल है ये हमें बताना है इसमें ठीक है आगे क्या है देन राइट द नंबर क्या करना है देन राइट द नंबर टू अकॉर्डिंग टू द अदर सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन यानी जो वैल्यू इंडियन में है हम उसे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में राइट करेंगे अगर वो वैल्यू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में दी गई है तो हम इस वैल्यू को किस में राइट करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में राइट करेंगे ठीक है वन इज डन फॉर यू एक इन्होंने डन करके रखा इधर देखो क्या गिवन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन ये जो वैल्यू दी गई है ये कौन से न्यूमरेशन की वैल्यू दी गई है ठीक है नीचे कौन से है गिवन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन ये जो वैल्यू दी गई है ये किस सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन की है किस सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में है ये इंडियन हम वहां पे क्या राइट करेंगे इस जगह पे हम इंडियन राइट करेंगे आफ्टर दैट क्या पूछ रहा है अदर सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन हमें ये भी बताना है इंडियन तो हमें पता चल गया अब हमें ये भी राइट करना है कि अदर सिस्टम कौन सा होता है इंटरनेशनल सिस्टम वो राइट करने के बाद हम यहाँ पे उस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन को जो वर्ड यहाँ पे फिगर में दिया गया है जो वैल्यू उसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में चेंज करना है बाय कॉमा प्लेस करना है मतलब कॉमा प्लेस करके ये बताना है ये कौन सा सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है ठीक है समझ में आ चलिए एक यहाँ का एक कौन बताएगा यहाँ पे जो मैंने राइट किया है ये वाला कौन बताएगा
चलिए खुशी आप बताइए। ये वैल्यू देखो वन, यहां पे यही राइट है, वन टू फाइव कॉमा सिक्स सेवन एट, ये वैल्यू राइट है। ठीक है, तो ये कौन से सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन की वैल्यू है? ये खुशी? यस सर। बताइए सर, इंडियन। इंडियन है? मुझे पूछा इंटरनेशनल सिस्टम कौन सा है? इंटरनेशनल सिस्टम है, कौन सा है? इंटरनेशनल सिस्टम। और यहाँ पे इंडियन में देखो क्या है, इंडियन में रहेगा पहले लास्ट के तीन डिजिट आफ्टर क्या रहेगा, थ्री डिजिट आफ्टर कॉमा रहेगा, उसके बाद टू टू डिजिट आफ्टर क्या रहेगा, कॉमा प्लेस किया जाएगा इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या है, आफ्टर थ्री डिजिट, आफ्टर एवरी थ्री डिजिट हम कॉमा प्लेस करेंगे। ठीक है, और इंडियन में क्या है, आफ्टर थ्री डिजिट उसके बाद दो दो डिजिट पे कॉमा प्लेस करते हैं। ठीक है, ये समझ में आया सभी को? चलिए अब यहाँ पे हम इंटरनेशनल सिस्टम हम लिखते हैं। ये कौन से सिस्टम में है? इंटरनेशनल सिस्टम में। तुम यहाँ पे ऐसे इंटरनेशनल राइट करेंगी, इंटरनेशनल। ठीक है, आगे अदर सिस्टम कौन सा है? इंडिया। तुम यहाँ पे इंडियन राइट करेंगे। ठीक है, अब इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। मैं यहाँ पे ये वैल्यू राइट कर दे रहा हूँ, अब ये बताइए कॉमा कहाँ कहाँ प्लेस करेंगे। सर, फाइव और सिक्स के बीच में सर कॉमा करेंगे और वन और टू के बीच में कॉमा करेंगे। ठीक है, यस राइट आंसर। ठीक है, अभी आप ये दोनों कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। क्या सिक्स फाइव और फोर, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, कल मैंने होमवर्क नहीं चेक कर पाया मैं, ठीक है, आप सभी का, क्योंकि कुछ काम था इसीलिए नहीं चेक कर पाया। ठीक है, तो ये आप होमवर्क करके भेजिएगा। ठीक है, यस सर। चलिए ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन। गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय।